हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ किडनीज, यूरिनरी ब्लेडर ब्लेडर यूरेटर्स एंड यूरिथ्रा। ये जो चार पार्ट मैंने नाम लिए हैं चारों के, ये सभी मिलके हमारा जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाते हैं। किडनीज, यूरिनरी ब्लेडर, यूरेटर्स एंड यूरिथ्रा, दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर एक्सक्रेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम किडनी की बात करते हैं। किडनी आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, तो ए पेयर ऑफ किडनीज आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर एक पेयर होता है किडनीज का, यानी कि दो किडनीज पाई जाती हैं। दीज किडनीज आर सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ द वेस्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। और ये दोनों किडनीज हमारे जो है दोनों साइड, वेस्ट के दोनों साइड जो है पाई जाती हैं। किडनीज आर ब्रिक रेड इन कलर एंड बीन शेप्ड, और ये ब्रिक रेड कलर की होती हैं और बीन शेप्ड, यानी कि आपने राजमा देखा होगा तो कुछ कुछ ऐसी इनकी शेप होती है। ईच किडनी कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी के अंदर कुछ कॉइल्ड यानी कि घुमावदार या मुड़ी हुई कुछ ट्यूब्स जैसी पाई जाती हैं, जिनको नेफ्रॉन्स कहा जाता है। नेफ्रॉन्स एक्ट एज फिल्टर्स। जो नेफ्रॉन्स हैं वो फिल्टर की तरह कार्य करती हैं, यानी कि छानने का कार्य करती हैं, फिल्टर करने का कार्य करती है। व्हेन द ब्लड रिचेस टू ब्लड रिचेस द टू किडनीज, जब ब्लड जो है किडनीज के अंदर पहुंचता है, इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। तब उस ब्लड के अंदर यूजफुल और हार्मफुल दोनों प्रकार के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और वापस ब्लड के अंदर भेज दिए जाते हैं। द नेफ्रॉन एक्ट एज ए फिल्टर। नेफ्रॉन जो है फिल्टर की तरह कार्य करते हैं एंड रिमूव्स रिमूव फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंसेस। और जो नेफ्रॉन्स हैं वो ब्लड से हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव कर देते हैं। हार्मफुल सब्सटेंस है यूरिया या फिर सॉल्ट वगैरह होते हैं उनको फ्रॉम द ब्लड। द वेस्ट प्रोडक्ट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर रिमूव्ड फ्रॉम द किडनीज एज येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन। जो डिजॉल्व्ड वाटर के अंदर जो डिजॉल्व जो होते हैं कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि यूरिया, वो एक येलो कलर के लिक्विड के अंदर जो होते हैं, जिसको कि यूरिन कहा जाता है, वो किडनी के द्वारा रिमूव कर दिए जाते हैं। द यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनीज गोज इनटू द यूरिनरी ब्लेडर। देखिए किडनी आपको दिखाई दे रही है पिक्चर में, तो किडनी के अंदर यूरिन फॉर्म होता है और यहाँ किडनी से आपको दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती हुई दिखाई दे रही है, जिनको यूरेटर कहा जाता है। तो यहाँ से वे यूरेटर के द्वारा होती हुई यूरिनरी ब्लेडर में पहुँच जाती है। ये जो आपको यूरिनरी ब्लेडर एक थैली जैसी दिखाई दे रही है, इसके अंदर आ जाती है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लेडर
और इसके अंदर वो स्टोर होता रहता है एंड इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द ट्यूब कॉल्ड यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा के द्वारा जो है ये समय समय पर बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं, यानी कि किडनी के अंदर यूरिन बनता है वेस्ट प्रोडक्ट और यूरेटर के द्वारा होता हुआ वो यूरिनरी ब्लेडर में आता है, यहाँ पर वो कलेक्ट कर लिया जाता है, इकट्ठा हो जाता है और यूरिथ्रा के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेस अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। इसका मतलब है कि जो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है वो नॉर्मली एक दिन में जो है 1 लीटर से लेके 1.8 लीटर तक यूरिन जो है वो रिमूव करते हैं। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर, यूरिन के अंदर 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिक एसिड एंड अमोनिया। तो ये सभी जो है यूरिन के अंदर वेस्ट की फॉर्म में पाए जाते हैं।